साथियों, आज त्रिपुरा में जो सरकार है वो गरीब का दुख भी समझती है और गरीब के लिए संवेदनशील भी है। हमारे मीडिया वाले साथी इसकी बहुत चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ग्रामीण उस पर काम शुरू हुआ तो एक मुश्किल आई, कच्चे घर की सरकारी परिभाषा से। पहले जो सरकार यहां थी उसने व्यवस्था बनाई थी कि जिस घर में लोहे की चादर से बनी छत होगी उसे कच्चा घर नहीं माना जाएगा, यानी घर के अंदर की सुविधाएं भले ही जर्जर हो, दीवारें मिट्टी की हो, लेकिन छत पर लोहे की चादर होने भर से उस घर को कच्चा नहीं माना जाता था। इस वजह से त्रिपुरा के हजारों ग्रामीण परिवार पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित थे। मैं प्रशंसा करूंगा मेरे साथी बिप्लव देव जी की, क्योंकि वो इस विषय को लेकर के मेरे पास आए, केंद्र सरकार के सामने उन्हें सारी जीत चीजें उन्होंने रखी, सबूतों के साथ रखी। इसके बाद भारत सरकार ने भी अपने नियम बदले, परिभाषा को भी बदल दिया और इस वजह से त्रिपुरा के 1,80,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर का हकदार बनाया गया। अभी तक त्रिपुरा के 50,000 से अधिक साथियों को पक्का घर मिल भी चुका है। 1.5 लाख से अधिक परिवारों को हाल में ही अपना घर बनाने के लिए पहली किस्त भी जारी की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले की सरकार कैसे काम करती थी और हमारी डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है।